हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोचिंग है ऑफिशिएटिंग इन कोचिंग का चैप्टर नंबर 2, मीनिंग ऑफ कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग का मतलब है, कोचिंग मीन्स ट्रेनिंग विच इज़ गिवन बाय एन इंडिविजुअल कोच। जो कोच होता है वो अपने प्लेयर को जो ट्रेनिंग देता है उनके गेम के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रदर्शन कर सके अपने गेम में, उसको हम कोचिंग कहते हैं। ट्रेनर इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। ट्रेनर जो होता है अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग के थ्रू अपने स्पोर्ट्स प्लेयर में इस एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गेम को अच्छे तरीके से जीत पाए। तो इसका हमारे एम क्या होता है हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? पहला एम होता है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ताकि उनमें जैसे अपना सेल्फ ट्रस्ट हो, कि हाँ उन्हें खुद पे विश्वास हो प्लेयर को, कि हाँ वो अपना गेम में जीत सकते हैं, अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। सेकंड है हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट मतलब कि फिज़िकल मतलब उनको उनके अंदर फ्लैक्सीबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, उनकी स्पीड बढ़ा सके। जो एक ट्रेनर होता है वो अपने प्लेयर को ट्रेनिंग क्यों देता है? ताकि वो उनमें फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ा सकते, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सके, उनकी स्पीड बढ़ा सकते, वो ऐसे सो सो के गेम ना खेले, ताकि आगे सामने वाले टीम जीत जाए। थर्ड है हमारा टेक्निक डेवलपमेंट। टेक्निक डेवलपमेंट मतलब कि एक ट्रेनर होता है वो। थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्निक डेवलपमेंट। टेक्निक डेवलपमेंट मतलब कि गेम के थ्रू जो हमारे एक इंडिविजुअल जो गेम है उसमें टेक्निक डेवलपमेंट करता है, कि हमें जो गेम में जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक बताती है कि हाँ हम इस टेक्निक से भी खेल सकते हैं, हम इस टेक्निक से खेलेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी जीतेंगे, या इसमें खेलेंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा, ये चीज़ें। फोर्थ है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मतलब अगर हम खेल रहे हैं तो उस समय मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कि जैसे बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं खेलते वो देखा जाता है कि जो बच्चे बाहर नहीं खेलते उनकी इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो एक ट्रेनर के द्वारा एक प्लेयर में अच्छे तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसमें अपने सारे कहा जा सकता है कि अपने सारी गलतियां जो वो अपने खेलते समय करते हैं, ये सारी अच्छाइयां वो अपने गेम के थ्रू अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट है मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। विशेषताएं क्या है? पहला है खेल प्रदर्शित होता है, फ्लैक्सीबिलिटी। खेल प्रदर्शन व्यक्तित्व विषय वस्तु मामला होता है। खेल प्रदर्शन नियोजित व सुविजित होता है। खेल प्रदर्शन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। खेल प्रदर्शन मतलब इस पहला पॉइंट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज परफॉर्मेंस। सेकेंड है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज इंडिविजुअल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक। प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक मतलब पहले को प्लान किया जाता है कि हाँ ऐसे ये हमें चीज़ें बच्चों को सिखानी है, इस तरीके से सिखानी है, और सिस्टमेटिक वे में पहले हमें ये चीज़ सिखानी है, फिर से हमें ये चीज़ सिखानी है, ताकि बच्चों को इजी रहे सीखने में। फिफ्थ है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एजुकेशनल। कोच एज अ लीडर। डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन इज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस।